सबका स्वागत है विशाल गार्डनिंग के अंदर। मैं हूं आपका अपना विशाल। आज हम आपको बताएंगे आम की वैरायटीज के बारे में और तीन तरह के स्प्रे जो आम के ऊपर फूल बोर आने से पहले आपने करने हैं, तो आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा आम का पौधा है जो कि एक पॉलीबैग के अंदर लगा हुआ है, और यह प्लांट हमारा ग्राफ्टेड प्लांट है। आपको दिखाते हैं, यह प्लांट जो ग्राफ्ट करा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए इसको ग्राफ्ट करा हुआ है यहाँ से, जो कि काफ़ी अच्छा तैयार हो रखा है। और इसके अलावा हमारे पास और भी आम के प्लांट्स हैं जो कि इस समय फ्रूटिंग करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही छोटे प्लांट हैं और ये सारे के सारे हमारे ग्राफ्टेड प्लांट हैं। इसकी केयर के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने बोर आने से पहले पहले इसके ऊपर तीन स्प्रे करने हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारा जो ये बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, इसके ऊपर फ्रूटिंग होनी शुरू हो चुकी है। इसके अंदर जो आप जितने भी प्लांट देख रहे हैं, इसके अंदर ये प्लांट हैं जो उनसे इसमें स्वर्ण रेखा आम का प्लांट भी है, और इसके अंदर जो है प्लांट है अपना आम्रपाली आम का प्लांट भी है, और इसी के अंदर जो कि बारहमासी आम का प्लांट भी है। तो आपको बताते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो प्लांट है ये आम्रपाली आम का प्लांट है, जो कि इस वक्त इस पर बोरिंग बोर आना शुरू हो चुका है, और कुछ ही समय के अंदर यह फल के अंदर तब्दील हो जाएगा। और इसके अंदर आपने जो स्प्रे करना है, जो कि मैं आपको बता रहा था, वो आपने स्प्रे जो इसके अंदर बोर आने से पहले पहले बोर आने से पहले करना है। दोस्तों, यह जो स्प्रे है, आप अगर आपका जो आम का बाग है तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने टेरेस के ऊपर यह प्लांट लगा रखा है आम का, जो कि ग्राफ्टेड है और अच्छी वैरायटी का लगा रखा है, तो आपने उसके अंदर भी ये तीन स्प्रे का प्रयोग करना है। ये जो आप जितने भी मेरे प्लांट देख रहे हैं, जो हैं मेरे पास, ये सारे के सारे ग्राफ्टेड आम के पौधे हैं, और यह सारे टेरेस गार्डनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा लगाए जाने वाले प्लांट हैं जो कि ग्राफ्टेड किस्म के हैं। इसके अंदर आपको जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि छोटे छोटे इसके अंदर काफ़ी संख्या में फल बन रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कुछ एक ये छोटे छोटे बनने शुरू हो चुके हैं। तो अभी अब जैसे कि मौसम बदल रहा है और ये आम का सीज़न अभी शुरू हो चुका है, तो आपने जो स्प्रे का प्रयोग करना है, तीन स्प्रे, सबसे पहला जो स्प्रे आपने करना है वो इसके ऊपर जो बोर आने से पहले आपने करना है, वो करना है आपने कीटनाशक का स्प्रे करना है, जो कि आपने ऑर्गेनिक भी कर सकते हो और केमिकल रूप में भी कर सकते हो। उसके अंदर जो कीटनाशक है, जो कीटनाशक स्प्रे है, वो सल्फर के साथ करना है। वो आपने इसके अंदर इसके बोर आने से पहले पहले शुरुआत के अंदर करना है, और उसके 3 से 4 दिन के बाद, या तकरीबन पूरे पूरे 3 दिन के बाद, आपने इसके अंदर दूसरा स्प्रे करना है। जो दूसरा स्प्रे आपने करना है वो आपने करना है जो दूसरा स्प्रे दोस्तों आपने करना है वो फंगीसाइड का स्प्रे करना है, जिससे कि आपके प्लांट में कोई फंगस वगैरह की कोई दिक्कत ना रहे। जो जो हमने पहला स्प्रे करा है कीटनाशक का, वो आप केमिकल वाला भी सल्फर के साथ कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके फ्लावर, आपके जो आम के पौधे पर बोर आने से पहले पहले या बोर आने के बाद, इसके ऊपर बिल्कुल भी बोर पे कीड़े की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और दोस्तों, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये आम का पौधा होता है जो उनसा, इसको बिल्कुल भी, इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है, और इसकी जो मिट्टी है इसके अंदर पानी की नमी बरकरार रखनी है डेली के डेली, जब इस पर बोर आने शुरू हो जाएंगे और फ्लावरिंग में तब्दील होने शुरू हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर वाटरिंग नहीं करोगे तो इसका बोर जल सकता है। तो आपने इसके अंदर जो है पानी की, जो प्लांट के अंदर मिट्टी के अंदर नमी पानी की मतलब बरकरार रखनी है। और दोस्तों, आपने जो इसके बाद जो तीसरा स्प्रे करना है, इसके अंदर तीसरा स्प्रे करना है 4 दिन के बाद,
जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है आपने इसके अंदर, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करने से आपके जो आम के प्लांट को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, या आप इसके अंदर डायरेक्टली जो आप इसके अंदर ऐसी जो कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एनपीके को आप डिसॉल्व करके इसको दे सकते हैं, या थोड़ी मात्रा में इसके अंदर डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इसके फूलों को बरकरार रखेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर फूल बनने शुरू हो जाएंगे। फूल बनने शुरू होने के बाद आपने एक काम और करना है, फूल को फल में तब्दील करने के लिए अपने गार्डन के अंदर, जैसे कि आपने अगर टेरेस गार्डन पे इस प्लांट को लगा रखा है, तो अपने गार्डन के अंदर आपने फ्लावरिंग के प्लांट्स लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा आसपास इसके, ताकि इस पर जो कि है मक्खियाँ और तितलियाँ वगैरह आनी शुरू करें और पॉलिनेशन का अपने आप काम शुरू हो जाएगा, और जो आम का जो फूल है वो फल में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अपने गार्डन के अंदर, टेरेस के अंदर, पॉट के अंदर इजीली आप मेरी जानकारी के अनुसार आप इजीली इन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।